नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन विद्या में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। ये हमारा एनटीपीसी जीके का पार्ट 5 जो सीरीज़ है उसका एक पांचवा वीडियो है। शुरू करने से पहले मैं हमेशा की तरह तीन बातें आपको कहना चाहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूंगा। दूसरी चीज़, हमारा बहुत सारे जो पीडीएफ है, हमारे जो वीडियोज़ हैं, हमारे बहुत सारे वीडियोज़ ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आप उसको जाके देखिए। 500 बूस्टर सीरीज़ के जो अवेलेबल हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चंस बहुत डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किए हैं और आप लोगों को एग्ज़ाम्स में काफ़ी मदद मिलेंगे, उस वीडियोस को आप लोग देखिए ज़रूर। तीसरी चीज़, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जब भी कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आए आपको तुरंत मिल जाएँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए स्कीम और प्रोजेक्ट ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट। निम्नलिखित में से कौन वर्तमान सरकार की योजना या परियोजना नहीं है? आपको बताना है कि वर्तमान सरकार की कौन सी योजना या परियोजना नहीं है। अमृत, स्वच्छ भारत, आयुष या फिर जनधन योजना, कौन सी वर्तमान सरकार की योजना या परियोजना नहीं है? तो इसका उत्तर बहुत सरल है, ये हो जाएगा स्वच्छ भारत। स्वच्छ भारत जो है ये एक अभियान था जो कि पूरे भारत में चलाया गया था। इसको शुरू कब किया गया था? 2 अक्टूबर 2014 को। 2 अक्टूबर को क्या होता है? गांधी जी का जन्मदिन होता है। और स्वच्छ भारत का जो लोगो है वो आप यहाँ पे देख रहे हैं, स्वच्छ भारत का ये लोगो है। तो जब क्वेश्चन आ गया है, जैसे कि मैंने बताया कि 10 क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, लेकिन उसमें से आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, उसके सारे ऑप्शन को हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो अमृत आपको मालूम होना चाहिए कि अमृत क्या है। अमृत जो है ये अटल भूजल योजना है, शहरी क्षेत्रों में जो सीवेज लाइन है और जो पानी की जो समस्या है उसको सुचारू रूप से करने के लिए अमृत की जो योजना है उसको लाई गई थी। जो तो चलिए इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है अमृत, अटल मिशन फॉर रिजर्वेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। जो पर्याप्त मात्रा में जो सीवेज नेटवर्क है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए और पानी की जो आपूर्ति है उसको ठीक करने के लिए इस पर्टिकुलर मिशन को लाया गया था, इस पर्टिकुलर योजना को लाया गया था। ये शुरू कब किया गया था? 2015 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको शुरू किया था, लॉन्च किया था। अब देखिए आयुष, आयुष जो है ये स्वास्थ्य से रिलेटेड है। ए का मतलब क्या होता है? आयुर्वेद। वाई का मतलब क्या होता है? योगा। यू का मतलब यूनानी। एस फॉर सिद्धि, एच फॉर होम्योपैथी। आप लोग याद रखिएगा, जब क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन बहुत घुमा के आता है, आपको पूछ लेगा कि आयुष में वाई क्या है, यू क्या है, या फिर एस क्या है, या फिर एच क्या है। ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, बैंकिंग में भी आते हैं, एसएससी में भी आते हैं और रेलवे में भी आते हैं, तो किसी में भी आपको पूछा जा सकता है। यहाँ पे आप अमृत का लोगो हमने डाल दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और आयुष जो है यहाँ पे इसका हिंदी में पूरा विवरण मैंने डाला है, आयुर्वेद, योगा, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धि और होम्योपैथी जैसी चिकित्सा प्रणालियों का संक्षिप्त रूप है, ठीक है। तो आयुष स्कीम को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, जो दूसरा क्वेश्चन है ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज इंडियाज फर्स्ट इंटर प्लानिटरी मिशन। चंद्रयान मिशन, मंगलयान मिशन, आर्यभट्ट मिशन, फिले मिशन। तो सबसे पहले इसका उत्तर आप देख लीजिए, इसका उत्तर हो जाएगा मंगलयान मिशन। मंगलयान मिशन जो है ये कब शुरू किया गया था और ये क्यों शुरू किया गया था इसको जानना जरूरी है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि मैं थोड़ा सा डिटेल में इसको डिस्कस कर देता हूँ। देखिए चंद्रयान जो है, चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2, दो मिशन इसके हुए हैं, चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2। तो चंद्रयान 1 जो है ये 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रमा पर भेजा गया और 30 अगस्त 2009 तक ये सक्रिय रहा, ये मानव रहित था, ठीक है। अब चंद्रयान 2, इसके साक्षी आप सब लोग रहे हैं, चंद्रयान 2 का ये रिसेंटली बहुत रिसेंट प्रोजेक्ट था जो कि 22 जुलाई 2019 को ये हमारे यहाँ से छोड़ा गया था। अब चंद्रयान जो 2 है, क्रैश लैंडिंग हो गई थी इसकी, चंद्रयान 2 की, लेकिन हमें अपने साइंटिस्टों पे इस पर बहुत गर्व है। तो इस पर क्या क्या शामिल था? एक चंद्र को परिक्रमा करने वाला एक लूनर ऑर्बिटर था इसमें, एक विक्रम लैंडर था और एक प्रज्ञान रोवर था, ठीक है। तो जो लैंडर है वो लैंडर से उतरने वाला था और एक रोवर है वो रोवर चांद की सतह पे जाने वाला था, वहाँ से फोटो वगैरह या फिर जो रिसर्च है वो करने वाला था। तो मूल बात यह है कि इसको लॉन्च कब किया गया था? 22 जुलाई 2019 में।
अब देखिए, एक मार्स ऑर्बिटर जो मंगलयान की जो बात हम लोग कर रहे हैं, ये मार्स 24 सितंबर 2014 के बाद से ये मंगल ग्रह की परिक्रमा कर रहा है, ये अभी भी कर रहा है। इसको लॉन्च कब किया गया था? 5 नवंबर 2013 को इसको लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा, और 24 सितंबर 2014 के बाद से ये अभी भी इसको जो परिक्रमा है वो कर रहा है। अब देखते हैं आर्यभट्ट। आर्यभट्ट कौन थे? हमारे देश के वैज्ञानिक थे। आर्यभट्ट एक अंतरिक्ष यान भी था जिसका नाम प्रसिद्ध भारतीय खगोल विज्ञानी के नाम पर रखा गया था। यह भारत का पहला उपग्रह था। आप लोग याद रखिएगा, यह भारत का जो आर्यभट्ट है, ये भारत का पहला उपग्रह था और पूरी तरह से भारत में ही डिजाइन और निर्माण किया गया था। और 19 अप्रैल 1975 को कप्स्टिन यार के एक सोवियत कॉस्मोस 3M रॉकेट द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। इस पर रशिया ने हमारा हेल्प किया था, इसको कॉस्मोस 3M रॉकेट के द्वारा इसको हम लोगों ने लॉन्च किया था, लेकिन इसको डिजाइन और निर्माण पूरा का पूरा भारत में ही इसको किया गया था। अभी एक जो क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन फिले मिशन बहुत मज़ेदार मिशन है, इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा जान लीजिए, क्योंकि मैं हर ऑप्शन को बहुत डिटेल में डिस्कस करता हूँ। तो जो फिले मिशन है ये रोजेटा अंतरिक्ष यान में एक धूमकेतु है, इस तक पहुँचने के, धूमकेतु का नाम क्या है? 67P, ठीक है, ये एक रशियन नाम है, 67P, आगे आप देख रहे हैं रशियन नाम है। तो ये एक धूमकेतु है जिसको एक जिस पर इसको लैंड करना था, ठीक है, और इसका एक लैंडर भी था इस पे। इस लैंडर का क्या नाम था? फिले लैंडर। तो कुल मिलाकर ये रोजेटा अंतरिक्ष यान था, इसके जैसे कि हमारा ये आप देख रहे हैं चंद्रयान 2 था, विक्रम लैंडर के अंदर एक प्रज्ञान रोवर था जो कि उतरने वाला था और उसका एक ऑर्बिटर भी था, उसी तरह रोजेटा अंतरिक्ष यान जो आप देख रहे हैं उसके अंदर एक लैंडर था, फिले लैंडर, जिसको इस धूमकेतु के जब ये स्पर्श करता तो उस पे इसको उतरना था और इस पे इसको जांच करना था। तो लेकिन ये मिशन जो है ये फेल हो गया था, ये पूरी तरह से सफल नहीं हुआ था, क्योंकि जो फिले लैंडर ये उतर तो गया था, उसके बाद ये फिर वापस एक्टिवेट नहीं हुआ। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि वापस ये एक्टिवेट हुआ, कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि नहीं, ये एक्टिवेट होने के बाद भी कोई डेटा नहीं दे पाया, तो इस तरीके के उसमें मतभेद हैं। लेकिन फिले लैंडर जो है ये उतरा था उस पे, रोजेटा पे, रोजेटा अंतरिक्ष यान से फिले लैंडर निकला था और ये धूमकेतु पे ऊपर ये उतरा था, और धूमकेतु का नाम क्या था? 67P। आगे देखिए, वाई द अर्थ इज हैविंग इट्स ओन एटमोस्फियर। जो हमारा पृथ्वी है उसका अपना वायुमंडल है, और ये वायुमंडल किस तरह से, मतलब हवाओं के जरिए, बादल, गुरुत्वाकर्षण या पृथ्वी के घूर्णन के कारण, विंड्स, क्लाउड्स, ग्रेविटी, रोटेशन ऑफ अर्थ। तो आपको मालूम है कि पृथ्वी में जो है ये ग्रेविटी है, ग्रेविटी के कारण ही सभी कुछ मुमकिन हो पाता है। तो वायुमंडल में जो कण हैं, ऐसे गैसें हैं जो बाहरी अंतरिक्ष से अंतरिक्ष में नहीं जाते हैं, क्योंकि वे एक बल ज्ञात गुरुत्वाकर्षण से बंधे होते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उसके समस्त द्रव्यमान से ही आता है, तो जो ग्रेविटी है उसी के कारण हमारे पृथ्वी का वायुमंडल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन ऑल मेंबर्स ऑफ द एनिमल किंगडम एक्सेप्ट प्रोटोजोआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा एंजाइम एनिमल किंगडम में पाया जाता है सिर्फ और सिर्फ प्रोटोजोआ के अलावा? इंसुलिन, पेप्सिन, रेनिन, एमाइलेज। तो इसका उत्तर हो जाएगा एमाइलेज। अब थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। देखिए, जो प्रोटोजोआ होता है, प्रोटोजोआ में आपको एमाइलेज नहीं मिलेगा, और एमाइलेज नहीं मिलता है इसीलिए ये फैट और स्टार्च को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, ये इसका सरल डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इसको आप बहुत डिटेल में पढ़ भी सकते हैं, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, लेकिन इसका सरल जो है डिस्क्रिप्शन ये है कि प्रोटोजोआ में क्योंकि एमाइलेज नहीं पाया जाता, और एमाइलेज जो है ये फैट और स्टार्च के डाइजेशन में सहायक होता है, लेकिन इस पे प्रोटोजोआ पे पाया नहीं जाता है, इसीलिए ये फैट और स्टार्च को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। और प्रोटोजोआ जैसे कि अमीबा को आप ले सकते हैं, ये भी एक तरह का एनिमल ही है, प्रोटोजोआ है, ठीक है। तो ये फैट और स्टार्च को डाइजेस्ट नहीं कर पाता, क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि इसमें एमाइलेज जो है ये नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, द ओनली वायसराय, कौन से वायसराय एकमात्र वायसराय हैं जिनकी भारत में हत्या हुई है? लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लॉर्ड एलनबोरो, लॉर्ड मायो। तो इसको आपको मालूम होना चाहिए कि
किसकी हत्या हुई है ये शायद आपको मालूम होगा, किसने हत्या की ये भी मालूम होना चाहिए, कब हत्या की ये भी मालूम होना चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड मायो। लॉर्ड मायो को किन्होंने मारा था? शेर अली अफरीदी, जिसे शेर अली भी कहा जाता है, भारत के वायसराय लॉर्ड मायो को इन्होंने इसको इनको मार दिया था। और ये कौन थे शेर अली अफरीदी? इनको अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर एक ये कैदी थे जिन्हें हत्या की सजा सुना दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, लॉर्ड मायो जो थे इनको मार दिया गया था। कौन, किसने मारा था? शेर अली अफरीदी ने। कब मारा था? 8 February 1872 को। नेक्स्ट देखिए, विच वन इज नॉट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया, भारत में राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है, ठीक है, इज नॉट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाने के लिए, मूल स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए, आय और धन की असमानताओं को कम करने के लिए, रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए। तो ऑब्वियसली ये बहुत इजी क्वेश्चन है और आंसर अभी आप सामने ही देख रहे हैं, टू इंक्रीज द लिक्विडिटी ऑफ इकोनॉमी। सिर्फ लिक्विडिटी को बढ़ाना ही फिस्कल पॉलिसी का काम नहीं है, ठीक है। जो फिस्कल पॉलिसी है, जो हमारा राजकोषीय नीति है, उसका काम है रोजगार के अवसर को बढ़ावा देना, आय और धन की असमानता जितनी भी है हमारे देश में उसको समान करना, मूल्य जो है उसको स्थिर बनाए रखना, जो इंटरनेशनल लेवल है उस पर भी हमारी जो इकोनॉमी है वो एक अच्छे लेवल पर पहुंच सके। तो फिस्कल पॉलिसी का कोई जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी को मेंटेन करना नहीं होता है, ठीक है। उसके लिए हमने अलग से संगठन बनाए हैं लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए, जिसको आप RBI कहते हैं। लेकिन जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी को मेंटेन करना नहीं होता, ये मूल ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव जो है ये तीन है। नेक्स्ट देखिए, द फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया वॉज AS वैद्या, KM करियप्पा, सुंदर जी, SHFJ मानेकशॉ। आपको बताना है कि भारत के पहले फील्ड मार्शल कौन थे। इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन आया हुआ है, आपने पढ़ा भी होगा। इसका उत्तर हो जाएगा SHFJ मानेकशॉ, ये फील्ड मार्शल थे। आप इनको देख रहे हैं यहाँ पे तस्वीर में, इनको सैम बहादुर और सैम मानेकशॉ के रूप में भी जाना जाता है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय सेना के ये अध्यक्ष थे और पहले भारतीय सेना अधिकारी थे जिन्हें रैंक पद पर पदोन्नत किया गया था। फील्ड मार्शल थे ये, ठीक है, आप इनको देख रहे हैं यहाँ पे। इनको सैम मानेकशॉ भी कहा जाता है और या फिर सैम बहादुर के रूप में भी ये जाने जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, हीलियम जो गैस है, जो गोताखोर हैं, जो पानी के अंदर जाते हैं, हीलियम को ऑक्सीजन के साथ मिलाया जाता है, क्यों? ये आपको सिंपल इसमें पूछा जा रहा है कि हीलियम इज एडेड टू द ऑक्सीजन सप्लाई ऑफ सी वाटर ड्राइवर। सी वाटर ड्राइवर यानी कि जो पानी के अंदर जाते हैं समुद्र में या बहुत बड़ी नदियों में जाते हैं गोताखोरी करने के लिए, उनके पीछे आपने देखा होगा कि टैंक बना होता है, उस पे जो ऑक्सीजन होता है उस पे हीलियम मिला हुआ होता है। इसका क्या कारण है? लेस पॉइजनस देन नाइट्रोजन, लाइटर देन नाइट्रोजन, रेडिली मिसिबल विथ ऑक्सीजन, लेस सॉल्यूबल इन ब्लड देन नाइट्रोजन एट हाई प्रेशर। तो इसका उत्तर हो जाएगा लेस सॉल्यूबल इन ब्लड देन नाइट्रोजन एट हाई प्रेशर। कम सॉल्यूबल मतलब घुलनशीलता, ठीक है। ये जो रक्त है उसमें घुलता कम है नाइट्रोजन की तुलना में हाई प्रेशर पे, ठीक है। इसीलिए हम लोग हीलियम को ऑक्सीजन के साथ इस्तेमाल करते हैं जो हमारे गोताखोर हैं उनके सिलेंडर्स पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि श्वास मिश्रण में हीलियम को जोड़ने का मुख्य कारण हवा के नीचे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अनुपात को कम करना है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है, ठीक है। जब आप अंडर वाटर जाते हैं वहाँ प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहता है और हीलियम क्योंकि ब्लड के साथ मिक्स नहीं होता है, लेस सॉल्यूबल होता है, इसीलिए उसको उसमें मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, टेरिलीन इज द कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल एंड विच एसिड। टेरिलीन इथिलीन ग्लाइकोल का संघनन बहुलक है और कौन सा अम्ल इसके साथ है होता है आपको पूछ रहा है, बेंजोइक एसिड, सैलिसाइक्लिक एसिड, पैथिलिक एसिड या फिर टेरिपैथिलिक एसिड। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा टेरिपैथिलिक एसिड। टेरिपैथिलिक एसिड जो है टेरिलीन, यहाँ पे मैंने डिटेल थोड़ा सा दे दिया, यहाँ पे टेरिलीन इथाइलिन ग्लाइकोल और टेरिपैथिलिक एसिड का सह बहुलक है, जिसको डैक्रॉन के रूप में भी जाना जाता है, डैक्रॉन के रूप में भी जाना जाता है, या पानी के उन्मूलन के साथ एथिलीन ग्लिसरॉल और टेरिपैथिलिक एसिड के
संक्षेपण और पॉलीमराइजेशन द्वारा तैयार किया जाता है। टेरिपैथेलिक एसिड जो है इसको बेंजोइक एसिड, सैलिसाइक्लिक एसिड, पैथेलिक एसिड और टेरिपैथेलिक एसिड के साथ किस तरह से इसके रिएक्शंस होते हैं या इसको क्यों इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इसको जब हम लोगों ने बूस्टर सीरीज पढ़ाया है केमिस्ट्री में, इसको बहुत डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया है। टेरिपैथेलिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले को भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। आप लोग एक बार केमिस्ट्री का वीडियो जरूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्मॉलेस्ट आइलैंड कंट्री इन द इंडियन ओशन इज, आपको पूछ रहा है कि हिंद महासागर में सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, मालदीव, श्रीलंका, मॉरिशस, मेडागास्कर। मालदीव, श्रीलंका, मॉरिशस या फिर मेडागास्कर। तो चलिए थोड़ा सा मैप भी देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका उत्तर जो हो जाएगा हिंद महासागर में आपको पूछ रहा है ये मालदीव होगा, और यहाँ पे आप मालदीव को देख रहे हैं पूरी दुनिया का, और यहाँ पे आप हिंद महासागर है और ये हो गया आपका मालदीव, ये है आपका श्रीलंका, ये हो गया आपका मालदीव। नेक्स्ट देखिए, आपको पूछ रहा है कि यूनेस्को जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। सबसे पहले तो कुछ चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए कि यूनेस्को जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ, इसको कब बनाया गया था। तो यूनेस्को जो है इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, इसकी डिटेल्स कुछ देख लीजिए। यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है इसको पेरिस फ्रांस में है, इसके हेड कौन है, एंड्रे अजोले। इसको कब फाउंड किया गया था, 16 नवंबर 1945 लंदन यूनाइटेड किंगडम में, और फॉर्मेशन इसका कब हुआ था, 4 नवंबर 1946 में। तो इसके जो पैरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, तो बस आप इतना याद रखिए, इसको फाउंडर्स इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की, चाइना, मैक्सिको और भी कई सारी कंट्रीज हैं इसको जिन्होंने इसको मिलकर फाउंडिंग किया था। तो इम्पॉर्टेंट यह है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसके हेड कौन है, इसको कब फाउंड किया गया था, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था। फाउंडेड और फॉर्मेशन दोनों डेट अलग है, क्वेश्चन इसी में से आते हैं, ये क्वेश्चन आए हुए हैं। फॉर्मेशन पूछेगा, फाउंडेड लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो फाउंड कब किया गया था, 16 नवंबर 1945 को, फॉर्मेशन कब हुआ था, 4 नवंबर 1946 को, इसको आप याद रखना है। तो ये हो गया यूनेस्को का। तो ये कुछ 10 क्वेश्चंस थे फ्रेंड, और नेक्स्ट 10 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को लगता है कि वीडियो में किसी तरह की मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है या कोई और डिटेल्स आपको चाहिए तो आप लोग कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आ रहा तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो लेटेस्ट नोटिफिकेशंस जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। हम लोगों ने एक टारगेट बनाया कि जो करंट अफेयर्स है वो डेली अभी अपलोड करना शुरू कर देंगे, मोस्ट प्रोबेबली कल से हम लोग शुरू कर देंगे डेली के डेली करंट अफेयर्स को अपलोड करना। तो वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए थैंक यू, गुड डे।